Hello, everyone, welcome back to Robotics Cafe's Python series part 5. And in this video, we will be learning about data types. So, in the previous uh, part, we have learned about variable. If you have not seen that video, please do watch that video. I have uh, given the link in the description box, and please uh, do watch that video. And if you have not subscribed to the channel yet, please do subscribe to the channel and please press the bell icon to get the notifications. Okay, fine. तो चलो ठीक है अब हम डेटा टाइप्स के ऊपर चलते हैं तो डेटा टाइप्स क्या होता है कि आ, हमने पिछले क्लास में वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था और वेरिएबल्स के बारे में ये पढ़ा था कि वो क्या करता है कि वैल्यू को स्टोर करता है अब देखो हमने एक एग्जांपल लिया था ना वेरिएबल को हमने एक कार्टून बॉक्स के उस, उसमें समझाता कि हम उसके अंदर चीजें डालते तो वही समझते फिर से कि जो बॉक्स जो हमने लिया ना उस बॉक्स के अंदर हम अलग अलग वैल्यूज डाल सकते वैल्यूज तो डाल रहे हैं लेकिन वैल्यूज के भी अलग अलग टाइप हो सकते हैं जैसे अगर हम कपड़े डाल रहे हैं उस बॉक्स के अंदर हम कपड़े डाल रहे हैं अब कपड़ों में भी पैंट डाल सकते हैं शर्ट डाल सकते हैं टी शर्ट डाल सकते हैं तो अलग अलग टाइप हो गए ना उस बॉक्स के अंदर डालने की चीजें जो हमने डाले हैं वो अलग अलग टाइप की चीजें भी हो सकते हैं तो उसी तरीके से वेरिएबल्स में भी जब हम वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं ठीक है थीके? तो वही मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है डेटा टाइप आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ डेटा वैल्यू अ वेरिएबल कैन होल्ड ठीक है तो चलो अब इसी ऐसी इस, कार्टून में समझते हैं तो जैसे ये हमारा बॉक्स है वेरिएबल समझते हैं हम इसको ठीक है अब इसके अंदर मैं एक कैरेक्टर को डाल सकता हूँ जैसे अखिल एक कैरेक्टर है ना कैरेक्टर को डाल सकता हूं मैं नंबर्स को डाल सकता हूं जैसे वन टू थ्री

बताता है ठीक है तो देयर आर डिफरेंट डेटा टाइप्स इन पाइथन पाइथन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं तो डेटा टाइप्स होते हैं जैसे कि न्यूमेरिक आप देख पा रहे हो यहाँ पे न्यूमेरिक है डिक्शनरी है बुलियन है सेट है सीक्वेंस टाइप के अंदर स्ट्रिंग आता है लिस्ट आता है टपल आता है तो मेरी एक बात जरूर याद रखना ध्यान रखना इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बस बेसिकली बताऊंगा इस समय होता क्या है ये सब डेटा टाइप्स बस छोटे से उसमें एक्सप्लेन करूंगा लेकिन आगे की वीडियो में फुल टू हम टॉपिक बनाएंगे उस डेटा टाइप्स के बारे में तो मैं अच्छे से समझाऊंगा सो प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब चैनल इसलिए मैं बोल रहा हूं करना और नोटिफिकेशन लेना बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा अभी मैं बस नॉर्मली मैं डेटा टाइप्स क्या हो रहा है इस वीडियो के अंदर मैं बस नॉर्मली क्योंकि डेटा टाइप कंटेंट का हम जो पढ़ रहे हैं डेटा टाइप्स क्या क्या है बस इतना बताना चाहता हूं मैं इस वीडियो में ठीक है तो चलो जैसे हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं नंबर डेटा टाइप नंबर डेटा टाइप में आपको समझ आ रहा है कि अगर हम वैल्यू में नंबर स्टोर करा रहे हैं तो वो नंबर डेटा टाइप हो गया अब नंबर डेटा टाइप में कौन कौन से होते हैं टाइप होते है। एक होता है इंट होता है ये आप देख सकते हो इंट है फ्लोट है कॉम्प्लेक्स है तो इंट में क्या होता है जब भी कोई इंटीजर वैल्यू आप डालते हो वन टू थ्री माइनस में भी जा सकता है माइनस में भी कोई वैल्यू डालते हो वो सब इंटर डेटा टाइप होते हैं फ्लोट फ्लोट कौन से डेटा टाइप होते हैं जैसे कि आप कोई वैल्यू डाल रहे हो अब वो डेसिमल में डाल रहे हो तो वो फ्लोट डेटा टाइप हो गया कॉम्प्लेक्स अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का एक वेरिएबल बना रहे हो जिसके अंदर एक वेरिएबल बनाया आपने जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आपने वैल्यू डाली तो वो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हो गया ठीक है तो चलो अब हम इसको समझते एक एग्जांपल के साथ तो मैं क्या करता हूं मैं कोई भी एक अपना वेब ब्राउजर खोलता हूं तो अब हम यहां पर गूगल कोलाब खोलेंगे एंड जस्ट आप न्यू नोटबुक में जाकर न्यू वाला भी खोल सकते हो आप एग्जिस्टिंग के अंदर जाना चाहते हो तो एग्जिस्टिंग के अंदर भी आप जो एग्जिटिंग फाइल बना रखी है उसके अंदर भी आप कोडिंग कर सकते हो ठीक है तो हम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं एक वेरिएबल लेते हैं जैसे ए एक मैंने वेरिएबल ले लिया मैंने बोला था ना वे वेरिएबल क्या होता है एक नाम होता है जो आप स्टोरेज एरिया का अपना नाम बनाया ठीक है तो इस स्टोरेज एरिया में हम वैल्यू डालते हैं तो ए इक्वल्स टू समझ लो मैंने एक नंबर ले रहा हूँ टू फिफ्टी थ्री कुछ भी रैंडमली कोई भी नंबर ले लिया अब मैं उसको शिफ्ट और एंटर दबा के मैं रन कर रहा हूँ अब मैंने अब ये रन हो गया अब मैं फिर से मैं ए लिख रहा हूँ और मैं मैं कंप्यूटर से पूछता हूँ मैं इस पाइथन से पूछता हूँ कि टाइप ऑफ ए क्या है जो मैंने लिखा है वो टाइप ऑफ ए क्या है? मतलब डेटा टाइप किसी चीज की भी डेटा टाइप जानने के लिए आप लिखना टाइप ऑफ ए क्या होता है सेट ऑफ रूल्स मैंने बताया था ना आपको तो टाइप ऑफ ए से पता चल जाता है कि कौन सा डेटा टाइप है ए कौन सा डेटा टाइप सबसे अच्छी बात है पाइथन के अंदर पाइथन खुद बता देगा कि डेटा टाइप कौन सा है नॉर्मल हम जावा वगैरह में हमें लिखना पड़ता है हमें बताना पड़ता है सी प्लस प्लस में हमें बताना पड़ता है कि ए एक वेरिएबल लिया तो इसका डेटा टाइप ये है हमें पहले बताना पड़ता है तो लेकिन पाइथन के अंदर क्या होगा कि पाइथन खुद ही इसका इंटरप्रेटर खुद समझ जाएगा कि ये ए जो है कौन सा डेटा टाइप है तो जैसे कि मैं टाइप ऑफ ए अब मैं पाइथन से पूछ रहा हूँ कि क्या है अभी मुझे बताएगा पर इंट टाइप, तो इंट टाइप है उसी तरीके से अगर मैं ए की वैल्यू मैं कर रहा हूँ माइनस सिक्स ट्वेंटी थ्री या फ, आ, कुछ भी करो आप ठीक है तो मैं रन कर रहा हूँ अब मैं यहाँ पर टाइप ऑफ ए फिर से रन कर रहा हूँ तो टाइप ऑफ ये मुझे बताएगा कि ये भी इंट है ठीक है आप पॉजिटिव वैल्यू लो या नेगेटिव वैल्यू लो वो डेटा टाइप उसका क्या होगा इंट होगा लेकिन अगर मैंने यहां पर डेसिमल ले लिया तो जैसे कि फिफ्टी करके मैंने ले लिया और मैं शिफ्ट और एंटर एक साथ दबा रहा हूं मैंने रन कर दिया अब टाइप ऑफ एज से पूछ रहा हूं क्या है? अब ये मुझे बता रहा है कि ये फ्लोट है इसका मतलब ये है कि जब भी कोई डेटा जब भी कोई वेरिएबल के अंदर हम डेसिमल वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो कौन सा डेटा टाइप हो जाता है फ्लोट डेटा टाइप हो जाता है ये या हमेशा याद रखना फ्लोट डेटा टाइप हो जाता है ठीक है अब अगर मैंने वेरिएबल के अंदर मैंने जीरो रखा तो आप गैस कर सकते हो मैं पांच सेकंड दे रहा हूं एक दो तीन चार पांच वेरी गुड सही गैस करा है तो इसका डेटा टाइप क्या होगा क्या होगा क्या होगा जल्दी बताओ यस yes, इंट होगा ठीक तो है तो जीरो एक इंट डेटा टाइप है ठीक है अब उसी तरीके से अगर मैं डेटा टाइप कर रहा हूं फोर प्लस फाइव uh, जे करके मैंने करा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ठीक है फोर प्लस फाइव जे के कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो ए uh, फोर मैं टाइप ऑफ ए से पूछ रहा हूँ तो क्या है ये मुझे बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है तो आप समझ गए आई होप आपको समझ आ गया होगा कि uh, ये हमारा नंबर डेटा टाइप में जो फ्लोट इंट कॉम्प्लेक्स जो मैंने बताया था डेटा टाइप वो कैसे आते हैं ठीक है तो चलो अब हम एक और आगे बढ़ते हैं अगला डेटा टाइप भी होता है बेटा जैसे कि बुलियन डेटा टाइप बुलियन डेटा टाइप कुछ भी नहीं होता बस है ना यही देखता है कि ट्रू और फॉल्स बस ये चेक करता है कि ट्रू uh, है या फॉल्स है ठीक है बस इतना बताएगा ये ट्रू है या फॉल्स है बस इतना ही होता है बुलियन डेटा टाइप ठीक है तो मैं जैसे कि मैं बता रहा हूं uh, कि अब बाय चांस मतलब कंडीशन में हम लगा सकते हैं जैसे मैं ए इक्वल टू मैंने ए इक्वल टू मैंने अभी यहां पे लिख दिया ट्रू ठीक है अब मैंने ए इक्वल टू ट्रू लिख दिया अब मैं इससे पूछ रहा हूँ टाइप ऑफ ए क्या है तो ये मुझे बताएगा बुल ठीक है अब मैंने आपको बताया था ना ये जो हमारा जो होता है केस सेंसिटिव होता है तो अगर और अगर मैंने टी छोटा लिख दिया ए इक्वल्स टू ट्रू ऐसे लिख दिया तो देखते हैं कि क्या रन करके देखते हो टाइप ऑफ ए मैं इससे पूछता हूँ अरे ये तो उसने रन ही नहीं करा इक्वल्स टू ट्रू तो कभी हुई नहीं, सर, नेम ट्रू इज नॉट डिफाइंड टी कैपिटल क्या, ही आपको लिखना पड़ेगा -E, तो यही लिखना पड़ेगा एंड नाउ आप उससे पूछोगे कि टाइप ऑफ ए क्या है वो बूल बता देगा अगर आप ए इक्वल्स टू फॉल्स लिखते हैं एफ कैपिटल में ठीक है एल सी -E, ई तो आप फॉल्स लिखते हैं और अब आप टाइप ऑफ ए लिखते हैं तो ये आपको बताएगा ये भी आपको बूल बताएगा ठीक तो है तो फॉल्स जैसे कंडीशन डालते हैं ट्रू और फॉल्स तो उसी तरीके से बूल डेटा टाइप उसका होता है उसका ठीक है तो ट्रू और फॉल्स के लिए डेटा टाइप क्या होता है बूल होता है ठीक है तो चलो अब हम आगे चलते हैं

कमेंट में जरूर लिखना डेसिमल डेटा टाइप अगर डेसिमल वैल्यू डालते हो तो क्या डेटा टाइप आएगा कॉम्प्लेक्स वैल्यू डालते हो तो क्या डेटा टाइप आएगा आई विल वेट टू सी दैट कितने कमेंट्स में आप लोग लिखते हो तो चलो अब आगे चलते हैं एंड नाउ सीक्वेंस क्या होता है एक्चुअली सीक्वेंस क्या होता है पाइथन इन्हें सीक्वेंस में पाइथन के अंदर सीक्वेंस मतलब ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स एक कलेक्शन ऑफ आइटम है वो अपने ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम जैसे हम लेते हैं ना उसको हम सीक्वेंस कहते हैं एंड वेयर ईच ईच आइटम आइटम इज इंडेक्सड बाय एन इंटीजर इंडेक्स बाय एन इंटीजर यहां पर इंडेक्स बाय एन इंटीजर का मतलब क्या ये आप सोच रहे होंगे तो क्या होता है इंडेक्स बाय एन इंटीजर का मतलब मैं आपको समझाता हूं जैसे कि हमने कोई भी एक कैरेक्टर ले लिया यहां पे जैसे कि मैंने हेलो लिया हेलो एक कैरेक्टर लिया ठीक है अब हेलो जो इंडेक्स करूंगा मैं एच हो जाएगा हमारा जीरो ई हो जाएगा हमारा वन एल हो जाएगा हमारा टू एल हो जाएगा यहां पर फिर से जो एल है वो थ्री हो जाएगा ओ हो जाएगा हमारा फोर तो मतलब मैंने क्या करा एच को जीरो हमारा ये ई वन है ये एल टू है ये थ्री है ये फोर है तो ये होता हमारा जो इंडेक्सिंग जिसे हम कहते हैं या तो हम अगर अगर मैं उसको रोबोटिक्स uh, में लिखता हूँ यहाँ पर आर ओ बी ओ टी आई सी एस रोबोटिक्स लिखा अगर मैं अब इसको इंडेक्सिंग करने लगूँ तो मेरे लिए आर क्या होगा आर हो जाएगा मेरा ज़ीरो इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी ओ की क्या होगी वन होगी बी की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी टू होगी O की फिर से क्या होगी थ्री होगी टी की क्या होगी फोर होगी आई की क्या इंडेक्स वैल्यू होगी फाइव होगी सी की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी सिक्स होगी एक्स की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी सेवन होगी ठीक है तो ये होता है इंडेक्सिंग तो जो आप जीरो से शुरू होता है हमेशा याद रखना जीरो से शुरू होता है इंडेक्सिंग जब भी आप करते हो ठीक है तो चलो मैं आपको ये कोडिंग में दिखाता हूं कि कैसे हम इंडेक्सिंग करते हैं जैसे कि Uh, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ अब मैं वेरिएबल ले रहा हूँ बी uh, अगला एक मैंने वेरिएबल ले लिया बी और बी uh, के अंदर मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ मतलब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि डेटा इसमें इसके अंदर क्या होता है कि ना सीक्वेंस के अंदर तीन तरीके के सीक्वेंस होते हैं सीक्वेंस होते हैं एक होता है स्ट्रिंग होता है दूसरा लिस्ट होता है और टुपल्स भी होता है ये सारे सीक्वेंस के डेटा टाइप्स होते हैं ये सारे डेटा टाइप्स होते हैं ठीक है ये सारे डेटा टाइप्स होते हैं है, बस डिपेंड करता है कि आप स्ट्रिंग ले रहे हो या लिस्ट ले रहे हो या टुपल ले रहे हो ठीक है तो चलो ठीक है अब मैं जैसे आपको बता रहा हूं पहला एग्जाम्पल मैं आपका ले रहा हूँ स्ट्रिंग का लेना चाहता हूँ मैं ठीक है तो बी जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया और मैंने लिखा रोबोटिक्स रोबोटिक्स लिखा मैंने ठीक है अब जब मैंने रोबोटिक्स लिखा मैं शिफ्ट मैं और एंटर रहा हूं ठीक है अब मैं रोबोटिक्स लिखा ना मैंने पर, पहले यहां पर बूल आ गया था और जब मैंने वन टू थ्री लिखा था तब मेरा इंट आ गया था ना? तो उसी तरीके से बीकोशू डबल कोर्ट्स में रोबोटिक्स लिखा है डबल कोर्ट्स में स्ट्रिंग जब भी लिखते हो ना तो हमेशा याद सिंगल कोर्ट्स में लिखोगे या तो डबल कोर्ट्स में लिखोगे ठीक है तो अब मैंने यहां पर मैंने रन कर दिया इसको मैंने रन कर दिया अब मैं बी का टाइप ऑफ बी पूछ रहा हूं कि टाइप ऑफ बी क्या है तो अब मैं करूंगा तो रन करा तो ये बोल रहा है मुझे एस तो मतलब एस का मतलब होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप ठीक है तो एस टी आर डेटा टाइप का मतलब होता है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया ठीक है अगर मैं डबल कोर्ट्स नहीं डालता अगर मैं यहाँ पे डबल कोर्ट्स नहीं डालता तो क्या होता यहां पर एरर आ जाता नेम रोबोटिक्स इज नॉट डिफाइंड वो नहीं समझ पा रहा भैया ये क्या है ठीक है तो आपको जब भी आप स्ट्रिंग लेते हो तो हमेशा याद रखना आपको सिंगल कोर्स से डबल कोर्स डालना बहुत 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 ज्यादा जरूरी हो जाता है ठीक है तो टू रोबोटिक्स और टाइप ऑफ क्या होगा तब समझ जाएगा टाइप ऑफ बी क्या है एस टी आर ठीक है अब मैं आपको एक और चीज बताऊं कि इंडेक्स अगर हम इसकी इंडेक्स की वैल्यू बताएं तो मैंने आपको भी बताया था ना कि रोबोटिक्स के अंदर आर जीरो था वो था ठीक है तो अगर मैं इससे पूछूं कि b का जीरो इंडेक्स में क्या वैल्यू है अगर मैं इससे पूछता हूं कि b की जीरो इंडेक्स में क्या वैल्यू अगर मैं सिर्फ नॉर्मली b अगर लिखता हूं मैंने नॉर्मली b लिखा यहां पर सिर्फ है नॉर्मल नॉर्मल b b लिखकर लिखकर पर मैं मैं इसको रन रन कर कर रहा कर कर रहा हूं। तो देखना क्या आता है रोबोटिक्स आ गया ना रोबोटिक्स आ गया नॉर्मल बी लिखा और रन करा तो मतलब बी के अंदर बी की वैल्यू क्या है रोबोटिक्स है ठीक है अब मैं इससे पूछ रहा हूं कि बी के अंदर जीरो इंडेक्स में क्या वैल्यू है तो अगर मैंने इससे पूछता हूँ कि बी के अंदर जीरो इंडेक्स में क्या वैल्यू है तो आर आप देख पा रहे हो आर वैल्यू बी के अंदर जीरो में आर वैल्यू उसी तरीके से बी के अंदर फिफ्थ में फिफ्थ इंडेक्स में क्या वैल्यू है मैं पूछता हूं ठीक है तो ये बताएगा आई जैसे कि जीरो जैसे मैंने आपको बताया ना रोबोटिक्स में क्या था कि आर जीरो था o था B था ओ ओ वन बी टू फिर से थ्री था टी फोर था आई क्या था फाइव था तो वही दिखा रहा है बी इंडेक्स वैल्यू जो थी फिफ्थ इंडेक्स वैल्यू जो थी वो आई थी ठीक है उसी तरीके से सेकंड पूछूंगा बी ऑफ टू क्या था तो ये मुझे बताएगा कि बी है

अब आप सोच रहे होंगे सर डिजिट हो सकता है तो डिजिट वन टू थ्री फोर होता है तो इंट के साथ कंफ्यूज नहीं हो जाएगा नहीं इंट के साथ कंफ्यूज नहीं होना चलो ठीक है हम फिर से चलते हैं तो अब अब जैसे कि मैंने यहाँ मैंने लिखा, 4, 5, 6, तो मैंने पे सी सी लिखा लिखा तो तो नॉर्मली लिखूंगा ये कौन सा डेटा टाइप होगा इंट डेटा टाइप होगा अगर मैं टाइप ऑफ सी पाइथन से पूछूंगा टाइप ऑफ सी क्या है तो वो मुझे बताएगा कि इंट है बट अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर यही चीज अगर मैं डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा तो देखना क्या बताएगा डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा तो अभी मुझे बताएगा टाइप सी क्या है? है? तो मतलब अगर अगर आ गया उसके अंदर, डबल में अगर आपने लिखा, तो वो एक एस टी आर हो जाता है ठीक है? तो वही चीज मैंने लिखा है तो और अगला पॉइंट देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रिंग वैल्यू सर इनक्लोज इधर इन सिंगल कोटेशन मार्क और इन डबल कोटेशन मार्क ये तो मैं आपको इतने देर से बता रहा था हमेशा याद रखना सिंगल कोटेशन मार्क में या तो डबल कोटेशन मार्क में हमेशा आएगा तो कोट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग ये भी हमेशा याद रखना कि ना जब आप स्ट्रिंग जब आप लिखते हो ना तो कोट्स कोट से क्या समझ आता है इंटरप्रेटर जो हमारा जो ट्रांसलेटर होता है ना पाइथन का इंटरप्रेटर मैंने बताया ना पाइथन के जो ट्रांसलेटर दो तरीके के होते हैं कंपाइलर भी होता है इंटरप्रेटर भी होता है तो पाइथन कौन सा ट्रांसलेटर यूज कर रहा है पाइथन यूज कर रहा है हमारा इंटरप्रेटर ठीक है तो इंटरप्रेटर समझ जाएगा कि जैसे ही आपने कोर्ट लिखा तो कोर्ट समझ जाता है कि भैया स्ट्रिंग शुरू हो गया अगला एक कोर्ट जैसे ही उसने एनालाइज करा एक कोर्ट आ गया अच्छा भैया अब यहाँ पर आ रहा है स्ट्रिंग आने वाला है, ठीक है तो अब वो वहां से जहां से कोर्ट शुरू होता है था, उसके अंदर अगले वर्ड से उस कैलकुलेट करने लग जाता है ठीक है भैया ठीक है और जहां पे अगला वो डबल कोड जहां पे खत्म होता है उसको समझ आता है कि भैया स्ट्रिंग यहां पर खत्म हो गया ठीक है तो कोट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग दे आर यूज्ड टू मार्क द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग फॉर द इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर समझ जाता है कि भैया बिगनिंग ऑफ द स्ट्रिंग हो गया और यहां पर जब कोट्स खत्म होता है तो उससे पहले समझ आ जाएगा कि भैया हमारा स्ट्रिंग यहां पर खत्म हो गया ठीक है

कि length of C क्या था मैंने बताया था ना एन से लिखते हैं तो क्वेश्चन तो तो नहीं, नहीं पूछ सकते इंग्लिश में उसको समझ नहीं आता इंग्लिश उसको उसके लैंग्वेज में बात करो तो उसके लैंग्वेज में बात करना है तो अगर उससे लेंथ पूछना है कि सी वाले भैया आपका लेंथ कितना है तो आपको उसके लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी तो उसके लैंग्वेज क्या है आपको लिखना पड़ेगा लेंथ ब्रैकेट में पैरेंथिस के अंदर आप लिखोगे सी तो सी का पूछना है ना आपको तो सी का क्या है लेंथ वो अब मैं रन करूंगा तो ये बताएगा कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स थे फोर फाइव सिक्स तीन थे ना इसके अंदर अब उसी तरीके से अगर मैं फोर फाइव सिक्स एट नाइन करके और ऐड कर देता हूं अब कितने बने इसके अंदर इसके अंदर कितने बने एक दो तीन चार पांच मैंने कैरेक्टर्स डाल दिए ना तो अब मैं लेंथ ऑफ सी फिर से पूछता हूँ इससे मैं रन करता हूँ फिर से लेंथ ऑफ सी क्या है अब मुझे बता रहा 5 है पांच है ठीक है उसी तरीके से हमने ऊपर देखा था ना बी बी के अंदर रोबोटिक्स लिखा था ना आर ओ बी ओ टी आई सी एस तो कितने कैरेक्टर्स है इसके अंदर एक दो तीन चार पांच छः सात आठ है आठ कैरेक्टर्स है ना तो चलो ठीक है अब हम इससे मैं पूछता हूँ लेंथ ऑफ बी कितना है मैं इसमें लिखा लेंथ ऑफ बी कितना है रन करा मैंने तो ये मुझे बताएगा आठ है देखा आ गया ना लेंथ ऑफ बी कितना है आठ ठीक है आई होप आपको लेंथ का कंसेप्ट भी समझ आ गया चलो अगले डेटा टाइप में चलते हैं जो सीक्वेंस का ही एक और दूसरा था मैंने बताया था ना सीक्वेंस में तीन डेटा टाइप होते हैं स्ट्रिंग होता है लिस्ट होता है होता है तो दूसरा है ये लिस्ट ठीक है लिस्ट लिस्ट को मैं ज्यादा डिटेल मैंने आपको पहले बताया था वीडियो के मैं सब कुछ आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं लिस्ट के ऊपर प्रॉपरली एक वीडियो बनाऊंगा अभी बस लिस्ट होता है बस समझ लेते हैं छोटा सा लिस्ट क्या होता है सीक्वेंस ऑफ आइटम सीक्वेंस ऑफ आइटम्स ही होता है सेपरेटेड बाय कोमा कोमा से सेपरेट करते हैं उस हर एक आइटम के अंदर से कोमा से सेपरेट करते हैं बस और हम स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं ठीक है जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं अब मैं आपका एक अगला एल ले रहा हूं एल नाम का एक वेरिएबल लिया और मैंने बताया था ना अभी आपको कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा लिस्ट को तो स्क्वायर ब्रैकेट लिया मैंने यहाँ पर और, और उसके बीच में मैं लिख दूंगा जैसे कि कुछ भी लिखो आप अः मैं लिख रहा हूं यहाँ पर अपना नाम अखिल ठीक है यहाँ पे लिखा जैसे मैंने अगला नाम लिखा राहुल मैंने लिखा नाम ठीक है अब मैं इसके साथ ही कुछ वैल्यू भी दे सकता हूँ जरूरी नहीं है इंटीजर नहीं ले सकते इंटीजर भी ले सकते कुछ भी ले लो फाइव सिक्स एट कुछ भी ले लो ठीक है फाइव सिक्स करके मैंने वैल्यू ली ठीक है तो अब मैं रन कर रहा हूँ इसको अब मैंने रन करा ठीक है अब मैं इससे पूछा कि भैया टाइप ऑफ एल क्या है टाइप ऑफ एल क्या है तो ये मुझे बताएगा टाइप ऑफ एल है

टुपल होता है, सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेटेड बाई कॉमास एंड आइटम्स आर इंक्लूड इन पैरेंथेसिस अब ये पहला लिस्ट में क्या था कि स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट के अंदर कौन सा था लिस्ट जब हमने करा था तो उसके अंदर कौन सा ब्रैकेट था स्क्वायर ब्रैकेट था इसके अंदर कौन सा ये पैरेंथेसिस है टुपल के अंदर कौन सा ब्रैकेट लगता है ऐसे वाला ब्रैकेट पैरेंथेसिस वाला ब्रैकेट लगता है ठीक है लिस्ट के अंदर ये वाला ब्रैकेट लग रहा था इसके अंदर हमारा ये वाला ब्रैकेट लग रहा है ठीक है तो चलो ठीक है अब हम कंप्यूटर वाले भैया से ऐसे एक एग्जाम्पल देते हैं जैसे समझ लो मैंने टी बनाया टी इक्वल्स टू मैंने ये पैरेंथेसिस डाला और इसके अंदर में बीच में फिर से वही वैल्यू ले रहा हूँ ठीक है वही डबल कोर्स मैंने लिखा खेल लिखा और बाद में मैंने कोमा डाल के कोमा इसमें भी कोमा सेपरेट होता है लिस्ट में भी कोमासी सेपरेट हो रहा था ना इसमें भी कोमा सेपरेट होता है ठीक है मैं फिर से वही वैल्यू दे देता हूँ या तो मैं अलग भी दे सकता हूँ

टुपल और लिस्ट में फर्क क्या है क्यों हम टुपल यूज करते हैं क्यों हम लिस्ट यूज करते हैं वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो चलो अब हम अगला चलते हैं आगे चलते हैं अगला एक और डेटा टाइप आता है सेट अब सेट डेटा टाइप वो भी मैं ये कह रहा हूं कि सेट डेटा टाइप क्या है? बस ब्रीफली अभी हम समझ रहे हैं क्यों सेट डेटा टाइप यूज करते हैं वो मैं और इसके बारे में डिटेल में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी सेट डेटा टाइप क्या होता है कि जैसे कि ये कर, ये डेटा टाइप है वाला ब्रैकेट करली ब्रैकेट लगता है ठीक है है एन अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड कलेक्शन कलेक्शन ऑफ ऑफ आइटम आइटम ये पर अनऑर्डर्ड है बाकी सब ऑर्डर्ड थे ना यहाँ पर अनऑर्डर्ड है ठीक है सेपरेटेड बाई कोमा है आइटम्स इन करली ब्रैकेट यहाँ पे करली ब्रैकेट के साथ होता है चलो ठीक है ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ जैसे कि मैंने एस नाम का एक डेटा वेरिएबल लिया और अब इसके अंदर मैं सॉरी इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने करली ब्रैकेट डाला और करली ब्रैकेट के अंदर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ समझ लो मैंने यहाँ पे लिखा एस यू डी एच ए लिखा यहाँ पर किसी का भी नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर अब मैं यहाँ पर अब, किसी का भी नाम लिख दिया मैंने यहाँ पर अब यहाँ पर फिर से अब मैं कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ कुछ भी नंबर डाल दो आप कुछ भी डाल दो फिर से आप नाम लिख दो किसी का जैसे कि आप किसी का भी नाम लिख दो यहाँ पर ठीक है कुछ भी करो आप तो मैंने यहाँ पर यहाँ पर रन करा और रन करने के बाद मैं यहाँ पर मैंने टाइप टाइप ऑफ ऑफ एस एस लिखा लिखा ठीक है और जब, जब मैंने टाइप ऑफ एस लिखा तो यहाँ पर अभी मुझे बता रहा है कि कौन सा डेटा टाइप है ये एस क्या डेटा टाइप था सेट है ठीक है इसने मुझे बताया कि डेटा टाइप क्या है सेट डेटा टाइप है ये ठीक है फाइन तो चलो अब हम आगे चलते हैं अगले डेटा टाइप की ओर चलते हैं तो नन डेटा टाइप नन डेटा टाइप भी आता है कि जैसे कि आपने कोई वेरिएबल लिया अब वेरिएबल जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक वेरिएबल ले लिया कोई भी वेरिएबल ले लो फिर से मैं ए ले, ले लेता हूँ कोई भी वेरिएबल ले सकते हो यार मैंने ए ले लिया और मैंने ए के अंदर मैंने लिखा नन लिख दिया ठीक है ए इक्व टू नन मैंने रन करा ठीक है नन मतलब कुछ भी नहीं मतलब नन वैसे ही नन नॉर्मली लिख दिया और बाद में मैंने यहाँ पर लिखा कि टाइप ऑफ एस क्या है मैंने इससे पूछा कि टाइप ऑफ एस क्या है अब ये मुझे बताएगा कि ये है

और डिक्शनरी uh, बस की वैल्यू पेयर होता है की वैल्यू पेयर और इसमें भी सेट uh, की तरह ही हम करली ब्रैकेट्स डालते हैं और uh, इसके अंदर कोलन के साथ पहले हम उसमें क्या करते हैं सेट के अंदर कोमा सेपरेट करते थे ना इसके अंदर हम क्या करते हैं कोलन से सेपरेट करते हैं इसके अंदर हम किससे सेपरेट करते हैं कोलन से सेपरेट करते हैं अभी मैं नहीं दिखा रहा डिक्शनरी का भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ठीक है तो मैं आपको बता दूंगा बस ये वीडियो मेरे को बस आपको ये समझाना था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं ठीक है डिक्शनरी भी एक डेटा टाइप है सेट एक डेटा टाइप है टूपल एक डेटा टाइप है स्ट्रिंग एस टी आर एक डेटा टाइप है बूल एक डेटा टाइप है इनटे डेटा टाइप है तो ये सब क्या है कॉम्प्लेक्स एक डेटा टाइप ये सब एक डेटा टाइप्स है मतलब आप जो वेरिएबल्स जो आपने स्टोर करिए आपने वेरिएबल्स जो वेरिएबल्स में जो आपने वैल्यू स्टोर करी वो वैल्यू अलग अलग

हमने एक वेरिएबल बनाया उसके अंदर हम एडिट कर सकते बट इम्यूटेबल के अंदर हम कुछ एडिट नहीं कर, कर इम्यूटेबल डेटा टाइप एक है बुलियन एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है कॉम्प्लेक्स इम्यूटेबल डेटा टाइप है स्ट्रिंग टूबल सेट ये इम्यूटेबल डेटा टाइप मतलब अगर हमने एक बार वेरिएबल में वैल्यू डाल दी तो हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते बट म्यूटेबल तो फिर कौन से हो गए

अखिल है ठीक है अब मैं चेंज कर सकता हूं मैं एल के जीरो को अब मैं यहां पे चेंज कर दूंगा कि मैं चाहता हूं अखिल की जगह आ जाए सुधा ठीक है तो मैंने यहां पर अब मैंने उसी वेरिएबल मतलब चेंज करने वाला हूं तो अब रन हो गया अब मैं फिर से एल में एंटर शिफ्ट और रन करता हूं अब एल देखना क्या होगा यहां पर हो जाएगा सुधा राहुल 54 मतलब यहां पर क्या था आप देख सकते हो पहले जब मैंने एल लिखा था पहले पहली वैल्यू क्या मेरी थी अखिल थी अब यहां पर क्या है सुधा हो गया ठीक है तो यही है मेरा बेसिक डिफरेंस ठीक है तो मैंने चेंज कर दिया मैंने वेरिएबल को मैंने चेंज कर दिया लेकिन like, इसको हमल म्यूटेबल uh, बनाते इसलिए लिस्ट एक म्यूटेबल है लिस्ट था इसलिए म्यूटेबल हो उसी तरीके से टूपल्स अगर मैं टी लेता मैंने टी लिया था ना एक टी क्या था मेरा अखिल राहुल था ठीक है टी का जीरो क्या था हमारा टी का जीरो क्या है अखिल है ठीक है टी का जीरो इंडेक्स वैल्यू में क्या है अरे देखो देखो देखो, देखो जीरो, जीरो जीरो छोटा टी छोटा टी नहीं है बड़ा टी आएगा केस सेंसिटिव मैंने बड़ा टी आएगा ठीक है टी का जीरो क्या है यहाँ पर आएगा अखिल ठीक है अब का जीरो अखिल है अब मैं क्या मैं टी के जीरो में अगर मैंने यहाँ पर सुधा कर देता हूं मैं अगर मैं यहाँ पर सुधा कर रहा हूं ठीक है क्या अब देखते क्या आता है

के अंदर भी कौन कौन से डेटा टाइप कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं ठीक है चलो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको डेटा टाइप का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो बाय बाय